सभी दोस्तों को नमस्कार और आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पहाड़ द्वार में स्वागत है। दोस्तों आप देखिए, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा सिवाय जंगल के। और जो अभी हम उपस्थित है, अभी हमें चौंड, ये एक जगह है चौंड। यहाँ पे हमारे बचपन की ग्रीष्मकाल की पूरी छुट्टियाँ बीतती थी। एक कारण था यहाँ पे इमलियाँ, ये पेड़ था इमली का। आज ये जंगल पूरा बन गया है, आने का कोई रास्ता नहीं। ऐसी झाड़ियों से हम घुस के आए इमली के लिए। और एक पेड़ यहाँ है, यहाँ काफ़ी विशाल पेड़ है। और ये हमारे लिए ऐसा है कि हम इसको देख सकते हैं, निकाल नहीं सकते। निकालें कैसे, नीचे झाड़ियाँ हैं। और ये घर है, जो ये घर हमारे गांव के दादाजी का है, जो कि गांव में है नहीं, जिनकी आपने वीडियो में देखी थी स्कूबर कार्तिक महाराज ने। तो आपने वीडियो देखी स्कूबर कार्तिक भाई की वीडियो में, जिसमें 104 साल की दादी जी थी। यह उनका ही घर है, यहीं पे उनका पूरा परिवार हंसता खेलता रहता था। परिवार सब पलायन कर चुके हैं, गांव में कुछ ही लोग हैं। आप ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत जगह है। पहले के लोग ऐसे जंगलों में रहते थे, उनको संघर्ष करना अच्छा लगता था। जब से नई पीढ़ियाँ आई, संघर्ष करना किसी को पसंद नहीं आया। सब लोग मैदान की ओर गए। पहले लोग थोड़ा सा ऊपर गए, गांव गए यहाँ से, उससे थोड़ा सा ऊपर गए सड़क में। जैसे लोग सड़क में पहुँचे, वैसे लोगों ने गाड़ी पकड़ ली मैदानी क्षेत्र की ओर। अब वह लोग गांव आते हैं सिवाय शादियों बारात में, और तो उन सभी लोगों ने गांव छोड़ चुके हैं। ऐसे ही जंगलों में कुछ हम अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं। पेड़ में नहीं चढ़ पा रहे क्योंकि पेड़ पे भरोसा नहीं है। पेड़ अपनी अंतिम सांसें हैं पेड़ की, क्योंकि ये पेड़ पूरी तरह से आप देख सकते हो पूरा सूखा हुआ है। अगर इसके ऊपर चढ़ेंगे तो हम गिर सकते हैं। और हम ले रहे हैं डंडे की सहायता से हम कुछ इमलियाँ झाड़ रहे हैं। मिली चीन कुछ इमली सिवाय निराशा के हाथ और कुछ नहीं लगी। तो दोस्तों चढ़ गया हूँ। ऐसे पेड़ों में आप देख सकते हो यार, ये जो मनो का कबड्डी। हाँ बस वही इमली को देख के खुशियाँ हम बयां कर सकते हैं। रुक जा अभी ना थोड़ी। ये अदरक की है, आप जड़िए जड़ी नहीं आधा यही देख। अबे यार ये क्या है दोस्तों? ये इमली काफी जड़िए काफी खुशियां मिल रही है इमली को देख के, क्योंकि इन चीजों से हमारा बचपन जुड़ा हुआ है। हमारे बचपन की कुछ यादें जुड़ी हुई है ऐसे जंगलों में। ये जंगल उस समय जितने स्मार्ट नहीं थे, हम मोबाइल पे चिपके रहे। मैं की क्यों है गई सरकार की छुट्टियां बिताए हैं, हम इन्हीं जंगलों में आते थे अपने मित्र के साथ। तो आज हमारे एक मित्र आ रखे आउट ऑफ से, उनको हमने बुलाया कुछ बच्चों को भी। हां ताजा कराया जाए, ये देखें। मैं ये की सड़कियों में ए जड़ी है ठीक है मैं लूँ। ठीक है नजे ला ठीक है स्टार्ट होगी। और ये देखिए इमली, अगर आपको ऐसे जंगल चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी आपको संघर्ष भरी कहानियाँ आपको जंगल में दिखाते रहेंगे। अभी आप देख सकते हो, ये हम जंगली लोग हैं, क्योंकि हम भाई यहाँ भी क्लियर आ रहा है जंगल के साथ रह के जंगली बन गए। हमने अपना स्टैंडर्ड जो भी है आदिवासियों की तरह कर दिया है। ये क्या, ये देखिए आप, ये इमली नहीं है, ये हमारी उम्मीद है। बहुत बढ़िया,
टीवी पर खींचे फोटो वीडियो पर। ये देखिए इमली, इमली कुछ ज्यादा ही अच्छी है दोस्तों। पेड़ के ऊपर तो मैं जैसे तैसे करके चढ़ गया और उतरने में बहुत हो गया, नीचे आ जा। इसलिए पेड़ को लगता है कभी कभार मेरे ऊपर कोई वजन नहीं है, मेरा ही फल है मेरे ऊपर। ये वजन भी आपको मेंटेन करना पड़ सकता है पहाड़ों में, पर आवाज थोड़ी ना आएगी। पता इमली का पेड़ देख सकते हो आप, मैं कहाँ चढ़ा था। और यह हमारी मेहनत है इमली की। तो आप लोग बताओ, अगर आपने कुछ अपने ऐसे जंगलों में दिन बिताए हैं गांव की गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में ऐसे जंगली फल खाने में, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरा मनोबल बढ़े रहे ऐसे पहाड़ के रोचक सच और रोचक बचपन के प्रति। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।